सही घटना एक बार कथा सुना रहे थे। बिहार का जो ब्राह्मण लोग हैं, बिहार के जो ब्राह्मण लोग वो बड़े पक्के ब्राह्मण होते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर में जाकर देखिएगा ना, को किसका बढ़िया दाल है, कल सब्जी है ना, एक हाथ में लेते हैं फिर उसको खा लेते हैं, फिर दूसरे के पास में जाते हैं। आप देखना जिस पहले वो जो मिट्टी का पात्र में बनती हैं उसको जो खा कर फेंक कर चला गया, फिर दो बार उसको ला कर उसमें भर कर बेच देते हैं। वहाँ पर झूठा बोलेगा कोई विचार नहीं। वो ब्राह्मण लोग, वो ब्राह्मण आकर के उसको इतना घृणा हो गया, भले कोई छूटन मोटन का कोई इनको पता ही नहीं, ऐसे ऐसे सब खाना खा रहे, इसे हाथ में चाट कर खा लिया, दूसरे पास में दे दिया, अब देखना कलची से उसको हाथ में टच करके फिर दे देता है, मतलब फिर झूठा हो जाता है, फिर वो झूठा हो जाता है। उसको इतना घृणा हो गया, मतलब वहाँ खाना ही नहीं खाया, उसने फिर खाना ही नहीं खाया, खाना ना कर कर चला गया, मतलब बेकार है। हम तो सोच रहे थे जगन्नाथ का प्रसाद है खाएंगे, घृणा करते हुए चला गया। गया तो वो रात को हो गया उसका डायरिया, उसको हो गया कलेरा, ऐसे स्थिति आ गई, वो मरने वाला, वो मरेगा, कलेरा हो गया। फिर उसने कहा भैया ऐसे क्या हो गया, फिर जगन्नाथ जी की स्वप्न आया, बोले तुमने मेरे आनंद बाजार में आ करके तुमने मेरे प्रसाद का प्रति तुमने घृणा की, इसलिए तुम्हारी कलेरा हो गया। अगर तुम सही करना चाहते हो जाओ उसी जंगल में, कि कुत्ता पड़ा हुआ मरा हुआ कुत्ता पूरा वो सड़ गया, और उसको मुंह को मुंह में दांत को नीचे मेरा एक अन्न का दाना लगा हुआ है। अगर जिंदा होना चाहते हो वो कुत्ते का मुंह से, मरे हुए कुत्ते का मुंह से वो अन्न का दाना खाओ, फिर तुम सही हो गए। तो बोले उनने सचमुच से गया, जब स्वप्न देखा बोले ऐसे जगन्नाथ जी स्वप्न आया, देखा वो जंगल में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ, एकदम बदबू सड़ा बदबू नाम भर रहा था, सचमुच से उसको मुंह का अंदर में देखा जगन्नाथ जी का एक अन्न का प्रसाद था। फिर उसने जगन्नाथ जी के अन्न का प्रसाद लाया और खाया, फिर तो उसको सही हो गया। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद कितना कुकुरात मुखात दृष्टम तद अन्नम पतितम यदि, अगर कुत्ते के मुंह से अगर गिरा हुआ अन्न को, मतलब ब्राह्मण अभी भक्तव्यम और ब्राह्मण होने पर भी उसको ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए महाराज जो श्लोक बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ये एक प्रमाण है। यहाँ के पंडा ये बात हमें कथा सुनाए, बोले जगन्नाथ जी प्रसाद। इसलिए इधर जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं ना, आसन के ऊपर बैठ कर पाते हैं, लेकिन यहाँ के प्रसाद का नियम है किसको आसन नहीं देते हैं, किसको आसन नहीं देते, मतलब नहीं नीचे बैठ कर प्रसाद पाओ, आसन के ऊपर नहीं। जगन्नाथ का प्रसाद सर्वश्रेष्ठ है, आप कोई आसन में बैठ कर प्रसाद नहीं पाना, मना कर देते पटाए। इसलिए यहाँ का प्रसाद की बड़ी महिमा है, जिसको ब्रह्मा शंकर नारद भी एक अन्न का दाना के लिए तरसते हैं। इसलिए श्री भुवन सरोवर यहाँ पर तो माता देवी कैलाश छोड़ करके आए, और जगन वहाँ पर हमारे भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में क्या हुआ, मतलब जिस समय ये कौन है था कहाँ पंडरक वासुदेव, पंडरक वासुदेव जो काशी राजा, यहाँ श्री काशी राजा ने जब उन्होंने श्री शंकर जी की उपासना की, शंकर जी की उपासना जब की, बोले तुम क्या बन चाहते हो, बोले मैं कृष्ण के साथ में युद्ध करना चाहता हूँ और उनको परास्त करना चाहता हूँ। शंकर जी बोले कोई चिंता नहीं, मैं भी तेरे साथ में चलता हूँ, क्योंकि शंकर जी को समझना बड़ा कठिन, हम दोनों मिल करके हम परास्त करेंगे कृष्ण को। जब कृष्ण को चुनौती दिए, इतने में कृष्ण चक्र छोड़ दिए, चक्र छोड़ गए तो पहले काशी राजा का सर को काट दिया, फिर चक्र जा करके पूरा काशी को जला करके राज बना दिया, और शंकर जी साथ दे रहे थे काशी राजा को, फिर ये जो चक्र था फिर शंकर जी को पीछे भगा, शंकर जी मारे मारे शंकर जी भटकते रहे, हैं कहीं भी शंकर जी के लिए स्थान नहीं। फिर शंकर जी फिर यहीं पर जगन्नाथ पुरी आए, हाँ कर श्री जगन्नाथ जी के चरण में उन्होंने आश्रय लिया, बोले प्रभु त्राहिमाम आओ, चक्र मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरे पर चरण में स्थान दो। भगवान बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु ये दुष्ट लोग मेरे भजन करते हुए मेरे भजन करके और मेरे बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, इसलिए
आप मेरे को कृपा करके अपना चरण में स्थान दे दो, आपका श्री चरण में रहूंगा तो ब्रह्म विधि सही रहेगा। और एक तो चरण में स्थान दो और दूसरे आपको प्रसाद हरने, आपकी प्रसाद चरण में रहूंगा तो मेरे बुद्धि सही रहेगा। श्री जगन्नाथ जी, श्री शंकर जी को श्री भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, हैं लिंगराज मंदिर वहीं पर स्थापित हो गए, और उनके पास में वहां पर जो कौन सा ठाकुर वहां पर जगन्नाथपुर में नहीं भुवनेश्वर में आनंद वासुदेव, वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आनंद वासुदेव में, इसलिए ये वैष्णव लोग कहीं भी शंकर जी का प्रसाद नहीं पाते। इसलिए शिव पुराण में लिखा हुआ जो शंकर जी के प्रसाद डायरेक्ट खाएगा ना वो कुत्ता भी नहीं जाएगा। इसलिए वैष्णव लोग कहीं भी शंकर जी का प्रसाद कोई भी नहीं खाते हैं, लेकिन केवल एक जगह में खाते हैं, कहाँ पर? श्री अनंत वासुदेव। श्री अनंत वासुदेव क्यों? सबसे पहले प्रसाद श्री अनंत वासुदेव भगवान जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं, फिर वो प्रसाद जाता है श्री जगन्नाथ जी के पास में, श्री शंकर जी के पास में, फिर वो प्रसाद नहीं वो हो जाता है महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए श्री भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर और श्री जगन्नाथपुरी में श्री बिमला जी का प्रसाद है, इसलिए वैष्णव लोग ये चीज को ग्रहण करते हैं। इसलिए जगन्नाथ प्रसाद की विशेष विशेष महिमा है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, सुभद्रा देवी सुदर्शन चक्र की, ताऊ भैया की, कृष्ण कन्या की, पिताजी गौरविंद महाप्रसाद। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राधा।